सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने एक और फैसला लिया है। भारत ने चीन की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए फिर से स्ट्राइक की है। सरकार का यह फैसला टैली उपकरणों को लेकर है। अब भरोसेमंद कंपनियों से ही टेलीकॉम उपकरण खरीदे जाएंगे, जिससे चीन को सबसे ज्यादा नुकसान की मार झेलनी पड़ेगी। सीमा विवाद को हवा देने वाले चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर पिछले कई महीनों से जारी तनाव के बीच सरकार चीन को एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को पहली बार नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव जारी करने का फैसला किया है। इसके तहत टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और उनके सोर्सेज की जांच करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम को टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी सरकार टेलीकॉम उपकरणों को खरीदने के लिए भरोसेमंद कंपनियों की लिस्ट बनाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में चीन की कुछ बड़ी कंपनियों को पाबंदियां झेलनी होंगी। इससे पहले मोदी सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। टेलीकॉम सेक्टर में अब तक चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से उन्हें तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। दूरसंचार क्षेत्र में चीन की ZTE सबसे बड़ी खिलाड़ी है। इसके अलावा Huawei का बाजार भी अच्छा खासा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, दूरसंचार क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश में दूरसंचार नेटवर्क तैयार करने के लिए इन्हीं कंपनियों से उपकरण खरीदे जाएंगे। कंपनियों की सूची नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तैयार करेंगे। भरोसेमंद कंपनियों और उत्पाद की लिस्ट एक कमेटी अप्रूव करेगी, जिसके प्रमुख डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे। कमेटी में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य भी शामिल होंगे, साथ ही दो सदस्य इंडस्ट्री और स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे। रविशंकर प्रसाद ने इस फैसले को चीन से जोड़कर देखने पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि ये योजना स्वदेशी कंपनियों के विकसित उपकरणों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र की सुरक्षा को और पुख्ता करना है। नई नीति के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इक्विपमेंट के लिए भरोसेमंद उपकरणों की सूची बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट और देशों की पहचान करेगी। नई नीति 180 दिन के भीतर लागू होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के नियमों में बदलाव करेगा। भारत उन तीन टॉप देशों में है जहां सबसे ज्यादा साइबर हमले होते हैं। सर्टिन के मुताबिक 2019 में भारत में 4 लाख साइबर घटनाएं हुई। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार चीन को पूरी तरह से बैन करने का मन बना चुकी है। सीमा विवाद को हवा देने वाला चीन भारत के सामने हर बार मुंह की खाता है, फिर भी चीन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाना चाहता है और भारत से भिन्नने की जुगत में लगा रहता है, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर चीन का गुरु टूटने का नाम नहीं ले रहा है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।